सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो मौलाना जर्जिस अंसारी जी की हमने आई थिंक एक ही वीडियो देखी है अभी तक। सो उसमें तो हमने इनका जो है सुना था बयान, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप का सुना था। वो किस पे था ध्यान? वो रिजवी जी कुछ थे यार, वो भी है ना, वो जो कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, मुस्लिम है ना। तो आज ये बयान करने वाले हैं नुपुर शर्मा के ऊपर, अल्लाह का अजब होने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या अजब होगा नुपुर शर्मा के ऊपर, वो बताएंगे कि क्या अजाब आया है या जो भी होगा। तो देखते हैं इस पे, और बहुत ही मतलब एक अग्रेसिव तरीके से ये बयान देते हैं ना। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके देख लें। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना अगर वो किताबें पढ़ लें। जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कत्ल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कत्ल नास जमीआ। जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं माराया आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। दीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है, इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है, और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है, और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो, और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोजे की कजा बाद में हो सकती है, अगर जान चली गई तो बाद में जान वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो, रोजे की कजा बाद में कर लेना। इंसानियत निभाई तो इतनी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने हम आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, युस्बिहु रजुल मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। एक मुसलमान को तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा,
मस्कीनों को गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वो मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यह कयामत की निशानी बताई। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के इस दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, जुहर भी पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहाँ जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है, इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये कयामत की निशानी होगी, एक मुसलमान हालत ईमान में उठेगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिग़िरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद सिक्कों को हासिल करने के लिए वो अपना दीन बेच देगा, दुनिया के चंद टुकड़ों को पाने के लिए वो अपना दीन का सौदा कर देगा, दुनिया के चंद सिक्कों के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा। अपने माशरे और समाज पर ऐसे मुस्लिम कैंडिडेटों पर नजर रखो जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा रहे हैं और मूर्तियों पर हार भी चला रहे हैं। और दलील क्या देते हैं, अरे हिंदू भाई भी तो कैंडिडेट है, वो भी तो रोजा रख लेता है, या इफ्तार पार्टी में आ जाता है, वो भी तो टोपी लगा लेता है, हमें क्या मतलब है, हमें उससे क्या मतलब है, वो क्या कर रहा है। लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से, और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा, बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है, हमने या चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है। मेरे भाइयों, किसी भी पत्थर पर फूल और माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाज़त दी है तो वो सिर्फ हजरे असवद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाज़त दी है। अगर आसानी के साथ वहाँ जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो, लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज़्यादा हो तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफ़ी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं ज़रूर चूमता लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब ज़माना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते हैं, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने ना लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर अन्नका हजरुन ला तन्फौ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है, अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है, तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी किस्म की बरकत की उम्मीद मत रखना, बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ और शफाफ तालीम है, इसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए और सीखना चाहिए। सो ये थी वीडियो। नूपुर शर्मा से रिलेट इसको इसलिए किया है क्योंकि जैसे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साह के बारे में जो चीज़ें कही हैं, तो उन्होंने इस वीडियो में अपने दीन की इम्पोर्टेंस सभी को बताई है ना, कि इतना 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 इम्पोर्टेंस हम देते हैं अपने दीन को, तो कोई कैसे मतलब बोल सकता है ना, इससे हाँ। इसलिए इस वीडियो को। और जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में एक बात कही है कि जिसने भी अपने रिलीजन की बुक पढ़ी होगी, चाहे वो हम हिंदू वालों ने हिंदू की पढ़ी होगी या कुरान इस्लाम ने कुरान पढ़ी होगी, तो वो कभी ना दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक बुक में यही बताया गया है कि किसी के धर्म को बुरा मत बोलो, किसी व्यक्ति को बुरा काम ना करो, और किसी की लाइफ बचती हो, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि रोजा तोड़ के भी आप को अगर जान बचानी पड़े किसी की, तो वो बचाई है ना। ये चीज हमें आज ही पता लगी क्योंकि हमने देखा है कि कुछ भी हो जाए, कि वीडियोस भी देखी हमने कि कहीं कोई चक्कर आया था कुछ, लेकिन वो रोजा नहीं तोड़ते या नमाज पढ़ रहे हो तो वो नमाज नहीं छोड़ते ना, पर ऐसा कहा गया है कि आप ये सब कर सकते हो क्योंकि किसी की लाइफ बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमैनिटी है, ये सब बुक्स में कहा गया है। तो बुक्स भी यही चीजें सिखाती हैं कि आप मतलब लड़ो झगड़ो मत, अपने आपस में मत लड़ो झगड़ो, बाकी रिलीजन से लड़ने की बात तो दूर की कही गई है, वो तो मतलब लड़ो ही मत है ना, और अपना काम करते जाओ, जो आपको बताया अल्लाह के रसूल ने वो चीजें करते जाओ, दूसरे के मामले में मत घुसो। लेकिन आज कल ऐसा होता है कि अब हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने भी बुक्स नहीं पढ़ी है, ना हमने कुरान पढ़ी है, ना हमने हिंदू मज़हब की पढ़ी है, लेकिन हमें पता है थोड़ा बहुत हिंदू के बारे में, चलो हम पैदा हुए हैं तो हमें पता है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें सुनते रहते हैं ना, और इस्लाम की बात करें तो वो हम वीडियोज़ के जरिए सुनते रहते हैं ना, तो सभी में कॉमन यही चीज़ आती है कि किसी को बुरा मत बोलो और अपने काम से काम रखो, जो चीज़ें हैं जो अल्लाह के अगेंस्ट हैं चीज़ें, जो खुदा के अगेंस्ट हैं चीज़ें, वो चीज़ें मत करो, बस ये कि हर एक को प्रिवेंट करो, एक ह्यूमैनिटी अलावा अपने अंदर ना, बस यही था। होप सो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप चाहते हो ऐसी ही वीडियोस देखना, रोज बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं, बहनों के मैसेज आते हैं कि हम आपकी वीडियोस डेली देखते हैं, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं कि ये देखो सारी वीडियो देखी है, कि कह रहे हैं हम 4-5 दिन से देखना स्टार्ट करी है, तो हम डेली देख रहे हैं, ये आप सभी का प्यार है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका प्यार हमेशा रहे, आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा हमारे साथ मिलेगा आगे, वीडियोस जो भी रहेंगी व्लॉग्स रहेंगे, बस ये कि प्यार बना के रखना, और जितने डेली देखते हैं वीडियोस जरूर डेली देखना, और जो भी आपको लगेगी कमी कुछ वीडियो में कि ये सही नहीं जा रहे, आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिले। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।